क्वेश्चन से शुरू करेंगे अपना अगला हेडिंग, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यूज का मतलब होता है कि जैसे ये पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है 3x² - 5x + 6, ये भी एक पॉलिनोमियल क्यू एक्स है, x² - 2√x + 1, क्योंकि एक्स में रूट अंडर थोड़ी है, नंबर में रूट हो सकता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, तो कैसा वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड पी टू पहला क्वेश्चन के लिए, दूसरा क्वेश्चन के लिए क्यू ऑफ 2√2, और तीसरा क्वेश्चन है r-1। तो जरा सोचो कि अगर हमको पी एक्स दिया हुआ है, अगर हमको पी एक्स दिया हुआ है, ध्यान से देखना, अगर हमको पी एक्स दिया हुआ है, पहला का देखो कि पी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है 3x² - 5x + 6, और अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, तो p के अंदर 2 दिख रहा है, तो तुम्हें क्या करना होगा कि पुट x = 2, जैसे ही तुम x = 2 पुट करोगे, ये p(2) नज़र आने लगेगा। तो यहाँ x के जगह पे अगर 2 पुट किए, तो यहाँ भी जो x रहेगा उसके जगह पे हम 2 ही पुट करेंगे, मतलब 3 × x² - 2² - 5 × 2 + 6, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा ये, और -5 × 2 = 10 हो जाएगा, और +6, तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 10 + 6। अब दोस्ती कौन कौन करेगा, 12 और 6 प्लस में है, तो 12 और 6 18 होगा, और 18 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 8। मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि पी टू का वैल्यू बताइए, वो 8 हो गया। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया एट x = 2 पे 8। अब उसी तरह से अगर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा में क्यू एक्स दिया हुआ है, तो क्यू एक्स अगर दिया हुआ है तो q(√) पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लिखेंगे कि क्यू एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, तो q(x) दिया हुआ है x² - 2√2x + 1। तो अब तुम खुद सोचो कि q(2√2) कैसे आएगा, अगर तुम x के जगह पे पुट करोगे 2√2, कुछ नहीं करना है, बस पुट x = 2√2। जैसे ही x के जगह पे 2√2 पुट करोगे, तो ये q(2√2) बनेगा, और इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर LHS में अगर हम 2√2 पुट करेंगे, तो हमें RHS में भी 2√2 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ x स्क्वायर है, मतलब 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2√2 है पहले से, इनटू में क्या है हमारा x, तो x का मतलब क्या पुट किए थे 2√2, अब +1, अब 2√2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन √2 का स्क्वायर जो होगा तो 1 और 2 बाहर आएगा, क्योंकि √2 × √2 होगा, तो 1√2 बाहर हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 4 × 8, यानी 8 हो जाएगा ये। माइनस फिर ये देखो, ये 2 × 4 और √2 में से 1 और 2 बाहर हो जाएगा, है ना, क्योंकि √2 × 4 और 4 से बाहर 2, तो एक्चुअल में हो जाएगा 2 × 4 और 4 × 8, ये +1, तो ये 8 प्लस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया q(2√2) का, वो वैल्यू हमारा 1 आ गया। क्या तुम्हें ये वैल्यूज निकालने में दिक्कत हो रही है कि समझ गए, समझ में आ रहा है बात। अब अगला क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है कि r(x) का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो r - 1 का वैल्यू बताइए, तो इसमें x के जगह पे हमें क्या पुट करना चाहिए, -1। चलिए पुट करके निकालिए आप लोग जल्दी फटाफट, इसको प्रिंट कर लीजिए पहले, चलिए मिलाइए। हमको r(x) दिया हुआ है 5(x) - 4(x² + 3, तो यहाँ x के जगह पे हमको पुट करना होगा -1,
तो जैसे ही हम r ऑफ x की जगह पे माइनस वन करेंगे तो हमको आर्चेस में भी x की जगह पे माइनस वन लिखना होगा। तो माइनस वन रहने की वजह से एक्चुअल में अब क्या होगा, थोड़ा सा उसको देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो सीधा नज़र आ रहा है कि पाँच गुने माइनस वन तो माइनस पाँच होगा, लेकिन यहाँ पे लोग माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, फिर कभी कभी एक दो ना दो कर देता है, वो सब गड़बड़ है। माइनस वन का स्क्वायर का मतलब होता है माइनस वन इंटू माइनस वन, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक एकम एक हो जाएगा, मतलब कि माइनस वन का जो स्क्वायर है वो वन होगा, वो वन होगा, और प्लस थ्री तो यहाँ से हो गया माइनस फाइव और माइनस चार एकम चार, अब प्लस तीन तो पाँच और चार कितना होगा, माइनस में है दोनों तो माइनस नौ होगा, और प्लस थ्री तो जो आपका आंसर आया था वो गलत था, दो नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका माइनस सिक्स। क्या आंसर आएगा जी, माइनस का सिक्स, क्योंकि नौ बड़ा है और तीन छोटा है तो घटेगा, तो साइन माइनस नौ होगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। क्या ये बात समझ में आई, माइनस सिक्स बोले थे तब सही है। चलिए प्रिंट कर लीजिए, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का भी इस तरह का भी क्वेश्चन एक रहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x बराबर 0, एट x बराबर माइनस 1 एंड x बराबर 2। तो कुछ नहीं है उसमें, क्या था कि पी एक्स बराबर करके दिया था, इसमें डायरेक्ट पोलिनोमियल दे दिया है और पूछ रहा कि x बराबर 0 पर इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे कि हमको इस पोलिनोमियल का वैल्यू पूछ रहा है, कहाँ पे पूछ रहा है, तो एट x बराबर 0, इसको क्या पढ़ते हैं जी, एट, यहाँ पे एट और नीचे x बराबर 0। तो इसका मतलब होता है कि इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू है हमको x बराबर 0 पे चाहिए, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 0 कर देंगे। तो 5x है यानी कि 5 गुना 0, फिर माइनस 4x स्क्वायर है इसका मतलब माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर, फिर प्लस 3 है तो प्लस 3, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 0, आइए 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, तो 0 में 4 का गुना होगा तो वो भी 0, अब प्लस 3, मतलब फाइनली आंसर आ गया 3। तो पहला क्वेश्चन जो है x बराबर 0 पे जो पूछ रहा था वो 3 आएगा। फिर इसमें दूसरा भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसी पॉलिनोमियल का वैल्यू आपको क्या करना है, किस पे निकालना है, एट x बराबर माइनस 1 निकालना है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं एट x बराबर माइनस 1, तो अब इसमें x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, अब प्लस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस 5, ये फिर ये माइनस 4, फिर माइनस 1 का स्क्वायर, दो मत लिख देना, मन में सोचो कि माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 गुना माइनस 1, तो वो माइनस माइनस प्लस और एक एकम एक, तो 4 गुना 1 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस 3, तो 5 4 9, 9 में से 3 गया आपका, है ना, क्योंकि ये माइनस 9 है और प्लस 3 है, तो ये माइनस 6 आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, आपको x बराबर 2 पे वैल्यू निकालना है, तो बस क्या करना है यहाँ पे, एट x बराबर 2 और 2 रख देना है, यानी कि 5 इंटू 2, चलो कर ही देते हैं तीसरा भी, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x बराबर 2, तो अब क्या होगा, ये 5 इंटू 2 होगा, माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर होगा, अब प्लस 3 होगा, तो ये तो 10 होगा, ये माइनस 4 और ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 यानी कि ये भी 4, अब प्लस 3 तो ये 16 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 3, तो 10 में से 16 घटेगा तो माइनस 6 बचेगा क्योंकि ये ज़्यादा है, और फिर प्लस 3 है तो अब जो है माइनस 6 जीतेगा 3 से, क्योंकि ये बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा माइनस 3। तो एक जो है पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए जैसे डायरेक्टली पी एक्स दे देगा,
और P2, P0, P1 पूछेगा। एक क्या करेगा कि पोलोमियल का वैल्यू देख के डायरेक्ट कहेगा कि x बराबर 0 पे वैल्यू निकालो, x बराबर 10 पे वैल्यू निकालो, x बराबर 5 पे वैल्यू निकालो। तो जो x का वैल्यू देगा वो वैल्यू उसको डाल के कैलकुलेट कर देंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस पोलिनोमियल, जैसे माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसको प्रिंट कर लीजिए।